गाइस, गुड मॉर्निंग। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अनदर डे सेम व्लॉग। सो आज हमारा टूर है फ्रॉम हरिद्वार टू ऋषिकेश एंड या बस मजे करेंगे। सो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे नीलकंठ मंदिर एंड देन नीलकंठ मंदिर से होके वहाँ राफ्टिंग के लिए जाएंगे। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। लेट्स सी कि क्या होता है। आपको रास्ते की रोड ट्रिप की सिनेरियोस दिखाएंगे एंड बस यही करेंगे। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? यस। हमने जो हरिद्वार में एक राजा जी टाइगर रिजर्व्स देखा था, ये उसका दूसरा एंट्री गेट है। मतलब मेन उसका यही एंट्री गेट है। एक जो गेट है मतलब वो भेल कैंपस में हरिद्वार में भी है। ये ऋषिकेश में चीला रोड के पास पड़ता है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी सेम है कि अभी सफारी वगैरह बंद है क्योंकि मानसून सीजन चल रहा है तो एनिमल्स का खतरा ज़्यादा रहता है। अब आगे चलते हैं। एंड ये चीला डैम है जो कि सामने से तो बहुत सुंदर लग रहा था एंड इसकी सामने वाली वॉल्स पे प्रॉपर पूरा चीला डैम लिखा था, बस वो कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया। एंड इसकी वॉल्स पे सामने ये ऐसी क्रिएटिविटी ड्राइंग्स बनी थी जो कि बहुत सुंदर लग रही थी मुझे तो। एंड फाइनली हम जब थोड़ा आगे बढ़े तो हमें वहाँ से प्रॉपर डैम दिखा, जो कि मतलब मेरा तो फर्स्ट टाइम था तो बहुत सुंदर था। दिस इज़ द व्यू। मतलब अभी हम पहाड़ों पे ही चल रहे हैं, इन रूट ऋषिकेश है और इतना प्यारा व्यू है ये। अगर आपको दिख रहा हो तो ये राफ्टिंग हो रहा है। अब ऐसे खींचो यार, तो एक ही तो कितनी सुंदर, कितना सुंदर व्यू लग रहा है। मतलब नेचर इज सो ब्यूटीफुल। मतलब कि लोग नेचर से खिलवाड़ करते हैं लेकिन बहुत सुंदर है। यहाँ तो भैया अलग ही सीन चल रहा है। सबने अपने अपने फोटोग्राफर पकड़ के अपनी अपनी अलग अलग पोज में फोटो ले रहे हैं। मतलब क्या बात, क्या बात। सो अभी हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है खाने पीने का एंड
इधर आपको इस चौराहे पे ये बोर्डिंग मिल जाएगी कि कहाँ पे किधर जाओ तो क्या, मतलब कितना किलोमीटर दूर है। सो मतलब इधर जाएंगे तो ऋषिकेश है एंड इधर जाएंगे तो हम नीलकंठ जाएंगे। और हम लोग पहले अभी इधर जाएंगे क्योंकि अभी हम लोग को ऋषिकेश से वापस की हरिद्वार की ओर जाना है। सो हम पहले इधर नीलकंठ जाएंगे, नीलकंठ दर्शन करके फिर वापस इधर आते हुए इधर ऋषिकेश जाएंगे, ऋषिकेश में घूम के फिर वापस इधर से ही जहाँ से आए थे वहाँ से वापस हरिद्वार जाएंगे। सो आप कभी भी मतलब जब भी यहाँ आए तो ये दो डाइवर्जन से रोड के तो आप देखिए। सो गाइस हम लोग ऋषिकेश से अभी नीलकंठ के लिए ऊपर कम से कम 30-35 किलोमीटर ऊपर आए हैं एंड यहाँ पे ये पार्किंग है। यहाँ पे ही मतलब आप अगर अपने प्राइवेट कार से आ रहे हैं या टैक्सी करके जो भी करके आ रहे हैं वो यहीं पे स्टैंड होगी एंड फिर यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल ही चलना होगा। इट्स कंपलसरी कि पैदल ही चलना होगा, ये न्यू इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे आके मिली एंड मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं ये पैदल की यात्रा कैसी है। तो टॉर्चर किया जा रहा है, यहाँ पे बिचारी की हालत खराब है, चढ़ाई चढ़ नहीं पा रही है। शिवरा हाय, कैसे हो? सुबह सवेरे देर में उठो और रास्ते में घेरो ज्यादा बिचारी। हाँ, आगे एनर्जेटिक लोग चल रहे हैं। चलिए आप भी आगे खेलो। शुभ्रा हाय, अब तो ब्लॉग हाँ। तब तुम्हें शुभ्रा कैसा लग रहा है चल के? अच्छा। हम जैसे अच्छे लोगों के साथ आई है तो मस्त दौड़ दौड़ के तेजी तेजी चल रही है। क्यों? यस, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। मम्मी पापा सबसे पीछे चल रहे हैं जाल में। सब फाइनली इनको इतनी देर बाद पानी वानी पी के एनर्जी आ गई है, एनर्जी का सबूत चाहिए। हम लोग भागते भागते चलते चलते बहुत आगे तो आ गए लेकिन मंदिर अभी तक कहीं नहीं दिख रहा है। बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, देखते हैं बस पहुंचने ही वाले होंगे। एंड देन हम लोग चलते चलते ये द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर दिखा जहाँ पे पूरे 12 ज्योतिर्लिंग थे महादेव के। सो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर था एंड मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने तो ये देखा भी नहीं था। एंड देन फाइनली हमें दिखा कि हमारा नीलकंठ महादेव मंदिर आ रहा है एंड यहाँ पे हमने अपने शूज़ वगैरह सब एक जगह किए एंड हम आगे बढ़ गए। सो ये पूरी जर्नी है कि मतलब थोड़ा अंदर जाके मंदिर है, सो थोड़ा पहले से हमें शूज़ वगैरह निकालने होते हैं एंड ये थोड़े मार्केट भी थे अंदर, मतलब सब वही धार्मिक चीज़ें यहाँ मिल रही थी जो कि मंदिर में चढ़ाई जाती हैं एंड वही सब। सो एंड देन फिर आगे बढ़ के ये मंदिर का मार्ग आ जाता है, यहाँ से एकदम अंदर 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 चलते जाएंगे तो हमें मंदिर मिल जाएगा। एंड वहाँ पर लिटरली इतनी भीड़ थी मतलब अच्छा लग रहा था कि हाँ महादेव के इतने भक्त थे लेकिन बहुत भीड़ थी। एंड देन हमने शक्ति ली एंड यहाँ की लाइन देखिए आप, मतलब हमने को लगा अब ख़त्म होगी एंड देन फिर मुझे ये वीडियो को स्पीड में करना पड़ा। देखिए अब आप कि ये लाइन कितनी बड़ी है। मतलब ये लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही थी, हमें लगा अब ख़त्म होगी बढ़ती जा रही है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एंड देन फाइनली जब हम थोड़ा आगे गए तब फाइनली लाइन ख़त्म हुई एंड हमने सोचा कि पीछे से क्यों एंट्री लेना, यहीं से रेलिंग के अंदर से घुसो एंड लाइन में लग जाओ। फिर हम लोग ने थोड़ा देर इंतज़ार किया। एंड देन फाइनली हमारा टर्न आया एंड हम मंदिर के अंदर गए, बट मुझे इसके लिए सॉरी बोलना होगा क्योंकि अंदर कैमरे के लिए एकदम सख्त मना लिखा था वहाँ पे, सो मैं वहाँ अंदर रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट मंदिर अंदर से लिटरली इतना सुंदर था एंड ये मंदिर के बाहर का ही है थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं जो भी आप देख रहे हो। एंड मैं अंदर का रिकॉर्ड करना चाहती थी पर हो नहीं पाया क्योंकि अंदर एकदम मना था।
एंड ये मतलब आस नीलकंठ के आसपास की जगह एंड ये नीलकंठ महादेव जी के मंदिर के बारे में। सो फाइनली हमारे नीलकंठ महादेव के दर्शन हो गए हैं एंड हम लोग वापस उतर कर आए। चढ़ने में तो मतलब चढ़ने में सारी शक्ति चली गई, उतरने में तो थोड़ा जल्दी जल्दी कैसे ही पहुँच जाए। सो फाइनली अभी हम लोग कार वाली पार्टी में आ गए हैं एंड अभी हम हमारी कार का वेट कर रहे हैं, बस वो आएगी एंड देन वी विल गो फॉर राफ्टिंग। नाउ अब एडवेंचर स्टार्ट हुआ है, अब हम लोग जाएंगे यहाँ से ऋषिकेश एंड ऋषिकेश में करेंगे राफ्टिंग। सो चलिए अब हम मिलते हैं। सो गाइस फाइनली अब हम लोग एकदम रेडी हो गए, बाल बाल बांध लिया है सबने एंड बुकिंग फॉर राफ्टिंग एंड ऑल इज डन एंड हम 6 लोग जा रहे हैं। बस थोड़ा लेट जा रहे हैं, 5 o'clock हो रहा है, अब जा रहे हैं, बस अब अच्छे से हो जाए। सो अभी लेट हो रहा है, चलते हैं अब हम लोग राफ्टिंग में, मिलता आप लोग का राफ्टिंग के बाद। बाय। फाइनली हमारी राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड एक्सपीरियंस मतलब उसका एक्सपीरियंस वर्ड में एक्सप्रेस ही नहीं हो सकता। आपको अगर राफ्टिंग का मतलब कैसा लगता है, राफ्टिंग क्या है क्या नहीं है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे खुद आना होगा, राफ्टिंग करना होगा। मतलब उसकी एक्सपीरियंस स्पीचलेस है, इतना प्यारा एक्सपीरियंस है, मतलब एकदम लगता है कि हम मतलब बता ही नहीं सकते, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अब हमारा चेंज वेंज हो चुका है एंड शायद अब हम घर वर जाएंगे या गंगा आरती देखने जाएंगे ऐसा कुछ। एंड अगर आपको राफ्टिंग का एक्सपीरियंस जानना है कैसा होता है, तो खुद आइए और राफ्टिंग करिए, आई बेट आप रिग्रेट बिल्कुल नहीं करोगे। तो चलते हैं अब गंगा आरती। अभी आ गए हैं परमाथ घाट, लेकिन अफसोस हम जिस रीज़न से यहाँ आए थे गंगा आरती देखने, वो ऑलरेडी हो चुकी थी। सो हमने ऐसे ही बस गंगा जी को घूमा, थोड़ा फ़ोटो वीडियोस लिया एंड अब हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया, अभी 10:30 के आसपास हो गया। बट ऋषिकेश में मज़ा बहुत आया एंड रिवर राफ्टिंग के लिए मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि रिवर राफ्टिंग के पर ईच की कॉस्ट 600 समथिंग है एंड जो हमारा इंस्ट्रक्टर होता है क्राफ्ट का, वो आपकी फ़ोटो वीडियोस ले सकता है एंड वो मतलब एक राफ्ट पे 8 persons होते हैं अलॉन्ग विद द इंस्ट्रक्टर एंड वो सबको मिला के मतलब पूरी बोट का जो भी वीडियो बनाएगा उसका वो 1500 लेगा। आप सब लोग डिवाइड करके उसे दे दो और फिर वो सबको ईच को मिल जाएगा, भले ही आप एक फैमिली के हो लेकिन वो हर फैमिली मेम्बर से बोलेगा कि आप डिवाइड करो। सो वो पूरा टोटल कॉस्ट उस वीडियो का 1500 लेगा, बट मज़ा इतना आएगा ना कि आपको वो 1500 ही बहुत सस्ता लगेगा, मन करेगा ले ही ले। बट हमारे साथ तो इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी कह रही हूँ ट्रेजिडी हो गई कि हमारा जो बोटमैन था वो गोप्रो ले जाना ही भूल गया, मतलब वो इतना इंग्रॉस हो गया था कि वो गोप्रो ले जाना ही भूल गया। सो आप अपना फ़ोन वगैरह भी ले जा सकते हैं, वहाँ पे उन लोग के पास बैग रहता है वो उसमें रख लेते हैं। सो जो हो सका था मैंने आपको दिखाया क्योंकि अब अपने फ़ोन के साथ कौन नहीं रिस्क लेगा, कहीं इधर उधर गिर गया तो बस गया। सो थोड़ा बहुत हम लोग ने वीडियो शूट किया बट मज़ा बहुत आया। सो हम लोग जा रहे हैं घर एंड बस बहुत थक गए हैं, अब घर जाके मिलते हैं। फाइनली अब हम लोग घर आ चुके हैं एंड अभी टाइम मतलब हम लोग 10:30 to 11 के बीच में घर आ गए थे, देन फटाफट खाना खाया, चेंज किया सबने एंड फिर रेस्ट किया क्योंकि हमें कल कहाँ निकलना है, देहरादून।
यस, तो कल हमें निकलना है देहरादून, तो उसकी सबने पैकिंग की है एंड अब जाके 11:40 के ऊपर हो रहा है एंड मतलब बहुत लेट हो गया, ऊपर से आज इतना थक गए, इतना ज़्यादा थक गए. सो अभी सबकी पैकिंग वैकिंग हो गई है एंड अब सब लोग जा रहे हैं सोने. सो आई होप कि आपको आज जो मैंने ऋषिकेश में नया नया दिखाया है, शायद आपको कुछ मतलब कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिल रहा हो या कुछ फन फैक्ट्स पता चले हो. सो अब हम लोग कल मिलते हैं देहरादून में एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड.